जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 40,000 नए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले ही बता दिया है। और हाल ही में आई एक नई न्यूज के आधार पर कहा जाए तो दिसंबर 2023 तक माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक ये जो 40,000 पद हैं उनको ज्वाइनिंग तक दे देनी है, अगर बात को सही माना जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां होंगी, जिसमें कांस्टेबल भी है और जिसमें उत्तर प्रदेश SI भी है, UPSI भी होगी उसमें, रेडियो और ऑपरेटर भी है और PSC वगैरह इसी में सम्मिलित होती है, आप जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी की कॉमेंट आ रहे हैं कि एज की गणना क्या होगी, कि मैं उस एज में आता हूं या नहीं आता हूं, मेरी एज उसमें फिट बैठती है कि नहीं बैठती है। तो मैं आपके इन सभी सवालों को लेकर, जैसे कि आप जानते हैं मैं आपकी क्वेरीज पर वीडियो बनाता हूं, तो आज का ये वीडियो आपकी उन्हीं क्वेरीज पर है, उन्हीं कमेंट्स पर है कि जहां आपने पूछा था कि क्या सर मेरी एज इसमें फिट बैठेगी, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, इसे देखिए और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत हद तक सारी प्रॉब्लम जरूर दूर होने वाली है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टडी मतलब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी भी आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि ये भर्ती बहुत तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और आप सभी लोग कई सालों, चूंकि 2018-19 में भर्ती हुई थी, उसके बाद हुई नहीं कोविड के दौरान, और आप सभी तैयार बैठे हैं कि कैसे यूपी कांस्टेबल आ जाए और हम इतने दिनों की मेहनत को जॉब में बदलते हैं। लेकिन उसके बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है, एज। क्या उन एज जो 2-3 साल निकल गए उसमें आप कहीं ओवर एज तो नहीं हो गए? अगर आप SC, SC, OBC है, जनरल है या AWS है तो कितनी एज फिट बैठती है? इन सभी सवालों को लेकर आज के इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखें, ये तो तय है यूपी कांस्टेबल 2022 40,000 की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको दिखाई देने वाली है, बहुत जल्द, है ना। इसमें एज लिमिट क्या क्या है मैं आप सीधा उसी पर बात करने जा रहा हूं, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 कैटेगरीज हैं, इसमें 5 से 6 कैटेगरीज हैं। एक जनरल है, AWS है, OBC, SC, ST, फीमेल। अगर इन तीनों सभी को देखेंगे तो 6 कैटेगरीज बनती हैं। इन 6 कैटेगरीज में एज क्या है, आज इसी पर हम बात करें, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं, आज के पहले कभी भी आपने यूपी कांस्टेबल भर्ती नहीं देखी है, इंटर पास आउट है, बस आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा और आपकी एज यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप कोविड के पहले के स्टूडेंट हैं और अभी भी कोशिश है कि आप यूपी कांस्टेबल भर्ती में हो जाएं, एज में डाउट है तो भी वीडियो ये आपके लिए ही है। तो आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी एज होगी 18 से काउंट होगी, मतलब अगर आप 18 साल के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 22 साल से ज्यादा के नहीं हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप 18 से 22 में ले जाएगा। पिछले कोविड के एक साल पहले जो भर्ती आई थी उसमें 18 से 23 लिया था। इस बार ऐसा है या नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा इस बात पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बात करें EWS की, तो अगर आप EWS है, EWS क्या होता है, अगर नए स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को वो नहीं जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जनरल कैटेगरी के लिए सेक्शन बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो जनरल कैटेगरी आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं सरकार उनको आरक्षण देती है। आरक्षण देने का मतलब यह है कि उनको एज में तो कोई आरक्षण नहीं है लेकिन मार्क्स में आरक्षण जरूर मिलता है उनको। अगर हम बात करें EWS में एज में क्या रिलैक्सेशन है, तो कोई रिलैक्सेशन उनको नहीं है। जो जनरल की एज ली गई है 18 से 22, वही एज ली गई है EWS में भी 18 से 22, 18 कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 22। अभी हम बात करेंगे OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब की। इन तीनों को अगर देखा जाए, इन तीनों को ही 5 साल की छूट मिलती है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन इनको मिलता है।
अगर हम बात करें इनकी मिनिमम एज इनकी कितनी होनी चाहिए, इनकी भी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 18, लेकिन इनकी मैक्सिमम एज बढ़कर कितनी हो जाती है, इनकी बढ़कर हो जाती है 27। क्यों? क्योंकि 22 साल जनरल की है मैक्सिमम, उसमें 5 साल की छूट मिलती है, तो बढ़कर हो जाती है 27। 18 से 27 साल तक का कोई भी ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है यूपी कांस्टेबल का। अब बात करेंगे हम फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी एससी एसटी हो, तो उसको कम से कम 18 साल की पूरी होना होगा और मैक्सिमम उसकी एज काउंट होगी 25 साल तक। मतलब वो जो फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उसकी एज 18 से 25 काउंट की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, मतलब लगभग उसको डाउट है कि मैं 18 का हुआ कि नहीं हुआ, मैं इंटर तो पास हो गया 2022 में और मैं हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए उसको ये देखना होगा कि वो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें वो एज कहां से लेंगे। जितना कि अनुभव मेरा है जो हमेशा से मैं देख रहा हूं, तो मैंने वो उस अनुभव के आधार पर, याद रहे नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन मैं पूरे अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि जो एज ली जाएगी साथियों, वो एज ली जाएगी मिनिमम 1 जुलाई 2000 और मैक्सिमम 1 जुलाई 2004 के बीच में वो पैदा हुआ होना चाहिए। मतलब उसकी एज जो होनी चाहिए, पैदाइश जो होनी चाहिए, उसका जो बॉर्न है, जो बर्थ है उसकी, 1 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2004 से लेकर 2004 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में उसकी पैदाइश होनी चाहिए, बर्थ होना चाहिए। अब बात आती है कि हम कैसे काउंट करें 18 का हुआ कि नहीं हुआ, 22 का हुआ कि मैं हो गया तो नहीं हूं अभी या हो बचा हुआ हूं, तो उसको यहीं से काउंट किया जाएगा। मैं इसको इसलिए संभावित मान रहा हूं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आज से पहले जितनी भी उत्तर प्रदेश की भर्तियां हुई हैं, मैक्सिमम उन्होंने इसी तरह लिया है 1 जुलाई से लेकर। मतलब ये मानकर चलिए कि आने वाली 1 जुलाई 2022 को वो काउंट होगी। मतलब मैं यहां एक बात लिख दूं, 1 जुलाई 2022 को आपकी जो एज होगी 18 से 22 या 18 से 27 या 18 से 25, वो 1 जुलाई 2022 को ही होगी। मतलब अगर कोई 1 जुलाई 2022 को 22 साल का हो जाता है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो 30 जून को ही हो गया, 31 जून को ही हो गया 30 जून को, तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो ओवर एज माना जाएगा भले एक दिन ही क्यों ना हो। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से कोविड रहा है और भर्ती नहीं हो पाई 2019-20 में, 20-21 में भी लगभग नहीं हो पाया कुछ भी, तो ये गारंटी अभी नहीं है। जिस तरह अग्निवीरों को 2 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, क्या यूपी पुलिस के कांस्टेबल भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को भी 2 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा, इसकी गारंटी अभी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं। उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप लोग भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं अपने तरह से, तो शायद गवर्नमेंट इस चीज पर नजर करे और आपको भी रिलैक्सेशन दे दे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, उसमें से भी जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहां से भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। फेसबुक का भी लिंक है, वहां पर भी लिंक पूछ सकते हैं। मेरे कुछ और चैनल्स के लिंक हैं, आप वहां पर भी आशीर्वाद, प्यार, दुआएं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वहां जाकर ये भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल नंबर चाहते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हैं, वहां से आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेशक बिना झिझके कभी भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मुमकिन होगा जहां तक मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा अब तक आपने पहले ही लाइक कर दिया होगा चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूं आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलिएगा। अंत में एक और बात, मैं आपको एज कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एज की गणना कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर मैं एज की गणना कैसे करूं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं अभी 22 साल का हुआ कि नहीं हुआ, मेरी इतनी इतनी पैदाइश है, अब मैं उसे कैसे घटाऊं, कैसे माइनस करूं, क्योंकि यहां एक एक दिन वैल्यूएबल होता है। तो मैं आपको अगला वीडियो एज की गणना संबंधित सिखाने वाला हूं, बहुत जरूरी होगा, उसे देखिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।